पहले तो बच्चों ये क्वेश्चन जेई कैट आईपी मैट बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी एग्जाम्स के लिए और आसान है, मतलब ये तो क्वेश्चन टफ है ही नहीं। इसको सर्कल की इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 2 स्क्वायर। तो यहां से मुझे ये पता लगा सर्कल का रेडियस 2 है और जो उसका सेंटर है वो बच्चों वो किस पे है, 0 0 पे है और सर्कल का रेडियस क्या है बच्चों, 2 है। समझ गया मेरी बात। तो अगर मैं एक सर्कल कंप्लीट करूं, थोड़ा ऐसे हाथों से ही बना रहा हूं मैं, बात आप समझदार हो, इतना परफेक्ट तो नहीं बनेगा हाथ से, लेकिन कंसेप्ट को पकड़ना है। और एक पॉइंट है बच्चों, वो पॉइंट क्या, -5 0। समझ गए, एक पॉइंट होगा इस -5 0 मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है हमारा -5 और 0। ठीक है, तो इसका सर्कल से ज्यादा डिस्टेंस क्या है। कुछ नहीं करना बेटा, स्ट्रेट लाइन को ऑब्जर्व करो, जिसको मैं ब्लू कर रहा हूं, ये पॉइंट ए कह देता हूं मैं, इसे ये पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। तो इस सीधी लाइन को खींचता गया खींचता गया खींचता गया, यहां तक तो ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, 5 यूनिट है। डिस्टेंस थोड़ा ना नेगेटिव होता है कभी। और आगे और कितना है, सर्कल का रेडियस कितना है बच्चों, 2। फाइव और 2 कितना हुआ, मान लो ये पॉइंट बी है जो ज्यादा सबसे ज्यादा दूर है ए से, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 5 और 2 7। कितना डिस्टेंस कवर हुआ बच्चों, 5 और 2 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7। समझ आ गया सबको, इजी था ये तो, वेरी इजी क्वेश्चन आई थिंक।